नमस्कार और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं मेजा रोड में, जहां पे मनपा द्वारा 40 पेड़ों की कटाई देने का यहां पे फरमान जारी किया गया है, वो भी गटर बनाने के लिए। जिसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे जो पर्यावरण प्रेमी है ये रोड पर उतर आए हैं और वो सीधा इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपको गटर बनाना ही है तो आप बिना पेड़ को काटे हुए भी गटर यहाँ बना सकते हैं, तो पेड़ काटने की क्या ज़रूरत है। अगर पेड़ों को काटा गया तो आज हम यहाँ पे लोगों को बुलाकर उनका साइन उनका नंबर ले रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम रोड पर उतर आएंगे और इसका हम तीव्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मनसे के नेता, भाजपा के नेता, कई समाज सेवक भी यहाँ पे इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। पदाधिकारी हूँ लेकिन पहला मैं पर्यावरण प्रेमी और यहाँ की स्थानीय रहवासी हूँ। जैसे 6 तारीख को नरेश जैन जी और प्रमोद दर्जी जी ये मेरे पास आए थे, ये पर्यावरण प्रेमी। हमने ढोले साहब, खांबी सर और क्या नाम उनका, पर्यावरण संजय शिंदे, इनको लेटर दिया। हमने उनको बोला था कि ये आप मत करो झाड़ तोड़ने का, अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हो तो उसके पहले आप हमको एक इन्फॉर्म करो। उन्होंने हमको इन्फॉर्म तो किया नहीं, ऑन द स्पॉट आके झाड़, सुबह 10 बजे इनका मुझे फ़ोन आया, मैडम झाड़ तोड़ने आ रहे। हम लोग 10 बजे से 2 बजे तक मैडम हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग 2 बजे थे। कोशिश करने के बाद ये काम रुका तो है, लेकिन ये कब तक रुकेगा नहीं पता, लेकिन ये हम रुका के ही रहेंगे क्योंकि हम पर्यावरण को हार्म होने नहीं देंगे। क्योंकि जैसे बोला कि कोरोना का लहर आ रहा है, अगर आ गया तो सोचो क्या हालत होगी। अभी इतने गए, आप सोचो अगर ये पर्यावरण ही नहीं रहा तो लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। मनपा बिल्कुल नहीं रुकी तो आप लोग क्या करने वाले हैं। जैसे बोला कि हम यहाँ के जो लोग हैं, हम स्थानिक जो लोग हैं, हम सब आंदोलन पे बैठेंगे और उसके हम जो क्या करेंगे उसी टाइम पे हम लोग आपको बता देंगे कि हम क्या करने वाले। क्या आप मनसे स्टाइल में उनको जवाब देंगे बाद में? देखिए अभी यहाँ पे कोई पक्ष का हमने नहीं लोगो लगाया, हम सब साथ में हैं, सब अलग अलग पक्ष के लोग हैं, लेकिन हम पर्यावरण प्रेमी हैं, इसके लिए हम लोग एक साथ आए हैं, तो हम लोग साथ में मिलके जो बन पाएगा हम करेंगे, लेकिन हम एक भी अभी झाड़ तोड़ने नहीं देंगे। जनता के साथ हम लोग यहाँ पर सेक्टर 7 के एक्सिस बैंक कॉर्नर से लेके सेक्टर 8 तक नगर पालिका ने गटर का विस्तार करने का काम हाथ में लिया है, जिसके लिए कम से कम 40 पेड़ों की कटाई का आदेश उन्होंने दिया है। काफ़ी पर्यावरण प्रेमियों ने इसके विरोध में लेटर देने के बावजूद नगर पालिका आज पेड़ों की कटाई करने आई थी। स्थानीय रहवासियों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, पर्यावरण प्रेमियों के साथ मिलकर आज आयुक्त मनोरीकर जी से बात करके हमने इसको रोका तो है, लेकिन ये रोकना कब तक रहेगा ये हमें नहीं मालूम है, क्योंकि आजकल महानगर पालिका जो है वो अपनी मनमानी कर रही है। महानगर पालिका की संपुष्टि हो गई है और प्रशासक नियुक्त है और प्रशासक को सिर्फ रूटीन काम करने का अधिकार है, जबकि यहाँ धड़ल्ले से विकास काम चालू करके उस पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। उन पेड़ों को बचाने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं और साइनिंग कैंप हमने किया हुआ है। हमारी महानगर पालिका माझी वसुंधरा अभियान जो चला रही है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं महानगर पालिका ही उसका उपहास कर रही है। आज देखिए आप, चीन में वापस कोरोना शुरू हो गया है, अगर भगवान ना करे और वही लहर कहीं भारत में आई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास पर्यावरण में ना ऑक्सीजन होगा और भारत की इतनी बड़ी आबादी है, हम पर्यावरण का ह्रास करने के बहुत सारे नुकसान भुगत रहे हैं। तो हमारा यही कहना है, दृष्टि घाक जी, नरेश जैन जी, प्रमोद दर्जी जी, हाँ मैडम, हम सभी पर्यावरण प्रेमी यहाँ पर जमा हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसके विरोध में हमने सिग्नेचर कैंपेन चालू किया हुआ है। हम स्थानीय रहवासियों को वहाँ ले जाकर मनपा से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, अगर उन्होंने नहीं माना तो हम हमारे तरीके से आंदोलन करेंगे। ये हमारा संघ का ये है नाम है, देखिए हमने 6 तारीख को उनको लेटर दिया था कि यहाँ के पेड़ नहीं कटने चाहिए, इसके लिए उनका रिप्लाई मुझे कल आया, कल शाम को उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया और उस रिप्लाई में उन्होंने लिखा है कि हमने उनको लेटर 14 तारीख को दिया हुआ है। तो यानी डिपार्टमेंट को खुद को नहीं पता है, डिपार्टमेंट को खुद को नहीं पता है, ये पूरे धांधली के हिसाब से काम किया जा रहा है और यहाँ के गटर के काम के लिए पेड़ों की तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी पीजी ओरा के यहाँ पर ऐसे हुआ था, उस वक्त हमने आंदोलन करके वहाँ का रुकाया था, तो वहाँ का काम बिना पेड़ काटे हो सकता है तो फिर यहाँ का क्यों नहीं हो सकता है? और हमारी महानगर पालिका जहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट देती है तो वो कौन से पेपर में देती है, किसको पता चलता है?
किसी को नहीं ये पता चलता है, सिर्फ उन्हें ही पता होता है कि कहाँ पर कौन से पेड़ काटने, ये लोग सिर्फ पेड़ काटने के हिसाब से ये काम कर रहे हैं और पर्यावरण को ये लोग दूषित कर रहे हैं। अब पर्यावरण दूषित हुआ है, इसके लिए महानगर पालिका एक मशीन मंगाई है जो 2 करोड़ रुपए की है कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने का। क्या ज़रूरत है, जब एक पेड़ 4 करोड़ का ऑक्सीजन देता है तो आप मशीन के लिए 2 करोड़ रुपए क्यों खर्चा कर रहे हो? इसी पेड़ को बचाएंगे और वो 2 करोड़ रुपए हमारे जन सामान्य के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या हमारा ये नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा? क्या गटर बना के ही हमारा प्रोग्रेस होना है? और पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, गटर हमें ऑक्सीजन नहीं देते हैं। ये बात इन ऑफिसर्स को क्यों नहीं पता चलती है, जबकि हम उनके ऑफिस में जाके उनको 10 बार बोल चुके हैं। हमें कोई रिप्लाई दिया नहीं है अब तक, कमिश्नर के पास से कोई रिप्लाई आया नहीं है। और आज सुबह हमें मालूम पड़ता है कि ये झाड़ कटिंग के लिए आ रहे हैं, उस बेस पे हम यहाँ पे आए तो मालूम पड़ा कि ये झाड़ 40 झाड़ काट रहे हैं और कोई भी ऑर्डर वॉर्डर कहीं भी किसी को नोटिस कुछ नहीं, और डिडक्शन पूरा कट करने को ये आ चुके हैं। तो इसका ऑब्जेक्शन लिया हम नैना मैडम, दृष्टि मैडम, मिलन भाई, नरेश जैन जी, हम सब ने ऑब्जेक्शन लिया और ये रुकवाया है आज। अगर मनपा फिर भी नहीं है तो आपको क्या करना, आंदोलन करेंगे? हम आंदोलन का सहारा ले, पेड़ की कटाई की जा रही, क्या कहेंगे? पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और हमें जीवित रहना है तो पर्यावरण को बचाना होगा, नहीं तो ये जो ऑक्सीजन जो मिल रही है हमें भी ये प्राणवायु नहीं मिलेगी और हम जीवित नहीं रह सकते। और ये मैं इसी पे काम कर रहा हूँ और 35 वर्ष हो गए यहाँ पे काम करते हुए इसी में, और ये पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है, ये ग्रीनरी तो बहुत आवश्यक है, ये जीवन है हमारा, प्राण शक्ति है, सारी ऑक्सीजन मिलती है इनसे, और ये ऐसे वृक्ष कट जाएंगे तो जीवित कहाँ से रहेंगे? तो ये इसको तो जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए और हमें पर्यावरण को बचाना।